महावर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत की शर्मनाक हार, 10 विकेट से जीता पाकिस्तान। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जीत का रिकॉर्ड टूटा। केस में प्रभाकर का दावा, 25 करोड़ में तय हुई थी आर्यन की रिहाई की डील, एनसीबी ने तोड़ी चुप्पी, 25 करोड़ की डील को बताया बेबुनियाद। आर्यन ड्रग्स में आज फिर एनसीबी दफ्तर में पेश होगी अनन्या पांडे, दोनों के बीच आज चैट में हुई बातचीत की तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी। ग्वालियर से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, कैमरामैन हिमांशु सक्सेना के साथ। ग्वालियर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने, सागर ताल जैसे पवित्र स्थल पर पाई जाती है गंदगी और कचरे का बेसुमार ढेर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। शुक्ला पूछता है भारत न्यूज चैनल से, इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ ग्वालियर के प्रसिद्ध स्थल सागर ताल पर, जहाँ पर कि हिंदू लोग अपनी प्रतिमाएं चढ़ाते हैं, मुसलमान लोग भी यहाँ पर इस तरीके से चढ़ाते हैं, लेकिन इस समय हम देख रहे थे नगर निगम की खामियां भी मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ जैसे मंदिर और मस्जिद का जो अनूठा जोड़ है जो हमेशा दिखाता है, ये देखिए मंदिर यहाँ बना हुआ है हनुमान जी का, ये मंदिर यहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसी तरीके से यहाँ मस्जिद भी बनी हुई है बिल्कुल पीछे की तरफ, ये बिल्कुल बगल में बिल्कुल, यहाँ हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था के प्रति यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नगर निगम की लापरवाही बोलें या लोगों की लापरवाही बोलें, सबसे पहले नगर निगम की लापरवाही इसलिए बोलेंगे कि ये जो कचरा, जो नगर निगम ये जो माता की जो ये चुन्नियाँ डली हुई हैं, जो कि लोग अपने सर पे बांध के घूम के नौ दुर्गों के समय पर अपनी आस्था को जताते हैं, और इसी समय आप खुद देख सकते हैं पांव के नीचे आ रही होंगी लोगों के, यहाँ मूर्तियां भी पड़ी हुई हैं, अब इसका जिम्मेदार कौन है पूछता है भारत। सत्ता में दिखा भाजपा के विकास का एक और नमूना, पेट्रोल 118 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर, डीजल 107 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। रैगा उपचुनाव में शराब की पर्ची बांटे जाने का मामला आया सामने, पासवान नाम का आदमी कर रहा है शराब की सप्लाई, ईमानदारी और अनुशासन के पाठ का ज्ञान बांटने वाली पार्टी के नेता शराब बांटकर वोट खरीदने में जुटे, विकास और योजनाओं के दावे हो रहे बेमान। अनूपपुर में आग की लपटों में घिरा ऑटो ड्राइवर, 25 मीटर दूर खड़ा कर पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर थाने की ओर लगा दी दौड़, कहा पुलिस शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं कर रही इसलिए आग लगाकर थाने पहुंचा। पटना के भाजपा मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी, नगर केंद्र के प्रभारी, बूथ समिति के सदस्य एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर महाजन संपर्क अभियान, घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर भाजपा में वोट देने के लिए विजयी बनाने की जा रही है अपील। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, रैगांव प्रत्याशी श्रीमती कल्पना वर्मा जी के साथ भर्जुना देवी जी का दर्शन कर सभा स्थल पहुंचे। सतना में छिड़कानी से परेशान नाबालिग ने खाया जहर, इलाज के दौरान रीवा में हुई मौत, पुलिस ने आरोपी राज खान को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति एवं दिव्यांग जनों के लिए इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सटोरियों की आएगी सामत, कारोबार को जड़ से खत्म करने के प्लान पर काम कर रहे रीवा पुलिस कप्तान, सट्टा कारोबार के खिलाफ रीवा पुलिस का बड़ा एक्शन। पूर्व सीएम कमलनाथ के स्वागत में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा एयर स्ट्रिप पर धक्का मुक्की करने और सुरक्षा लाइन क्रॉस करने पर डीएसपी ख्याति मिश्रा ने लगाई फटकार। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।